हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखिए बॉक्स प्लेटेड स्कर्ट की कटिंग और इसकी सिलाई बताऊंगी इस वीडियो में। और ये जो मैं बना रही हूँ, देखिए इसका मेजरमेंट है, लंबाई है 20 इंच और इसका कमर है 26 इंच। तो बिल्कुल इसी मेजरमेंट पे मैं इसकी कटिंग करूँगी। लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारे मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं इसकी कटिंग और इसकी सिलाई बताने वाली हूँ। तो ये देख सकते हैं, इसे बनाने के लिए ये मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये जो टोटल कपड़े की लंबाई है, ये है 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है। तो अगर इस साइज़ का आपको बनाना हो, यानी कि जो साइज़ है लगभग 11 से 13 साल के बीच की लड़की के लिए, आप इस साइज़ पे बना सकते हैं। तो अगर इस साइज़ का आपको बनाना हो तो लगभग 1 मीटर से आप थोड़ा अधिक भी कपड़ा ले सकते हैं। अगर आपको घेरे में अधिक फ्रिल चाहिए तो आप थोड़ा सा अधिक कपड़ा लीजिएगा, या फिर आप इसे 1 मीटर में भी बना सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे इस कपड़े की चौड़ाई भी नाप के दिखा देती हूँ, इसकी चौड़ाई कितनी है। तो बिल्कुल इस साइड से आप ऐसे चौड़ाई भी चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल है 57 इंच, यानी कि लगभग 1.5 मीटर से थोड़ा सा कम है। देख सकते हैं, 1.5 मीटर से ये 3 इंच कपड़ा कम है। तो इसका जो चौड़ाई है लगभग 1.5 मीटर की है, और लंबाई में मैंने कपड़ा 1 मीटर लिया है। तो देख सकते हैं, अगर हम लंबाई के साइड से ऐसे घेरे की कटिंग करते हैं बिल्कुल इस प्रकार से डबल में, तो जो इसका घेर आएगा थोड़ा कम आएगा। और इसी को अगर आप इस प्रकार चौड़ाई के साइड से कटिंग करते हैं तो इसका जो घेर है थोड़ा अधिक आएगा, क्योंकि चौड़ाई में कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो आज हम देखिए इस प्रकार चौड़ाई के साइड से ही घेरे की कटिंग करेंगे, ताकि इसका जो घेर है थोड़ा सा अधिक हो जाए। तो देखिए, इस स्कर्ट की कटिंग हम चौड़ाई के साइड से ही करेंगे। तो बिल्कुल इस प्रकार देख सकते हैं, चौड़ाई के साइड से मैंने कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया है। और पहले ऐसे नीचे से बराबर नहीं हो तो पहले हम बराबर कर लेंगे। देख सकते हैं, इसे बराबर करने के बाद यहाँ पे हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो आपके स्कर्ट की लंबाई जितना हो उतना पे ऐसे निशान लगा लेना है, या फिर उससे लगभग आधा या 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ऐसे निशान लगाएंगे। देख सकते हैं, लगभग ये मैंने 20.5 इंच पे निशान लगाया है। यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए जितना स्कर्ट की लंबाई होता है उसमें से 2 इंच माइनस कर देते हैं। यानी कि जो स्कर्ट में ऊपर की पट्टी होती है, बेल्ट पट्टी, वो 2 इंच की होती है। तो यहाँ पे हम 2 इंच माइनस कर देंगे तो ये आएगा 18 इंच। तो पहले हम यहाँ पे फोल्ड करने के लिए ले लेंगे। तो इस प्रकार 1.5 या 2 इंच आपको पहले फोल्ड करने के लिए रख लेना है नीचे की तरफ। देख सकते हैं, ये लगभग ये मैंने 2 इंच फोल्ड करने के लिए लिया है, और उसके बाद ये 18 इंच टोटल लंबाई और 1/2 इंच यहाँ पे सिलाई के लिए। तो इस प्रकार ये घेरा जो है 18 इंच का तैयार होगा, और ऊपर की तरफ हम 2 इंच की बेल्ट पट्टी लगाएंगे तो ये 20 इंच का हमारा स्कर्ट तैयार हो जाएगा। और उसके बाद देख सकते हैं, बिल्कुल इस प्रकार डबल करते हुए हम इसको कटिंग करेंगे, क्योंकि सिंगल कटिंग करने से इसका जो घेर है पूरा नहीं होगा, यानी कि कम पड़ जाएगा। तो इस प्रकार मैंने देख सकते हैं इसको डबल कर लिया है। अब देखिए, डबल करने के बाद बिल्कुल इस प्रकार ये 20.5 इंच हो गया कपड़ा। अब देखिए, यहाँ पे अगर छोटा साइज होता है तो थोड़ा सा यहाँ पे हमारा कपड़ा बच जाता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा साइज है और कपड़ा भी मैंने 1 मीटर ही लिया था। तो यहाँ पे इस साइड से ये कपड़ा मेरा नहीं बचा है बेल्ट पट्टी के लिए, तो इसकी कटिंग हम यहाँ पे साइड से कर लेंगे। तो बेल्ट वाली पट्टी हमें 2 इंच का तैयार करना है, तो यहाँ पर लगभग हम 5 इंच कटिंग कर लेंगे। यानी कि 2 इंच का डबल ये 4 इंच हुआ, और 1 इंच हमें सिलाई के लिए रखते हुए ऐसे कटिंग कर लेना है। तो ये देख सकते हैं, मैंने कटिंग कर लिया है। यानी कि जो कपड़ा है, देख सकते हैं, ये मैंने 2 पीस में कटिंग किया है। यानी कि एक से हम बेल्ट वाली पट्टी तैयार करेंगे, और एक जो बचा है इसमें से आप बेल्ट लगाने के लिए लूप्स तैयार कर लेंगे, और थोड़ा सा पॉकेट पे अटैच करना होता है तो वो हम इसमें से कटिंग करके लगा लेंगे। अब देखिए, जो बचा हुआ कपड़ा है, यानी कि ये जो कपड़ा है घेरा वाला कपड़ा, इसको भी हम इस प्रकार अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये घेरे की कटिंग हमने कर लिया है। यानी कि ये 2 पीस में कटिंग हुआ है, एक आगे की तरफ रहेगा और दूसरा पीछे की तरफ रहेगा। अब देखिए, मैं इसका घेर नाप के दिखा देती हूँ ये कितने का तैयार होगा। तो देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो टोटल लंबाई है ये है 47 इंच। यानी कि जब हम इसको डबल करेंगे तो लगभग ये 2.5 मीटर का इसका घेर तैयार होगा। तो फिलहाल देखिए, इसे अभी हम अलग रख देते हैं, और इसमें लगाने के लिए हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इसमें से तो कपड़ा नहीं बचा है पॉकेट के लिए, तो ये मैं वाइट कलर का, देख सकते हैं ये बचा हुआ कपड़ा था, तो इसी का यूज करूँगी पॉकेट बनाने के लिए। तो बिल्कुल इस प्रकार देखिए, हम यहाँ पर इसे कपड़े को डबल करेंगे, और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक ये मैंने 6 इंच लिया है। अगर छोटा साइज हो तो 5.5 इंच भी रख सकते हैं। तो ये मैंने 6 इंच लिया है। देखिए, अब इसको मैं यहाँ से सीधा कर लेती हूँ।
ताकि ये पता चले यहाँ तक ये मैंने कपड़ा लिया है। तो यहाँ पे मैंने सीधा कर लिया है। अब देखिए सीधा करने के बाद यहाँ से इसे बराबर कर लेंगे, और बराबर करने के बाद देखिए यहाँ ऊपर से लगभग 1 या 1.5 इंच नीचे हम निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 1 इंच लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद ये जितना पॉकेट ओपन रखना है उतना पे निशान लगाना है। तो ये मैंने 5 इंच लिया है। अगर छोटा साइज हो तो आप 4.5 इंच भी रख सकते हैं 5-6 साल के बच्चों के लिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे थैले के लिए निशान लगाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे 5 इंच लिया है थैले की लंबाई, और 1/2 इंच सिलाई के लिए। तो इस प्रकार टोटल जो लंबाई है लगभग ये मैंने 11.5 इंच लिया है। अब देखिए इसको इस प्रकार सीधा कर लेंगे, दोनों निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद देखिए यहाँ से ऐसे गोलाई दे देंगे, और यहाँ तक आने के बाद बिल्कुल इस प्रकार देखिए यहाँ तक हम इस शेप में कटिंग करेंगे। तो बिल्कुल ये जैसे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है इसी निशान पे कटिंग कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं ये पॉकेट की कटिंग हो गया। अब देखिए हम पॉकेट को इसमें अटैच करेंगे। तो ये आप किसी भी एक साइड में अटैच कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको राइट साइड में पॉकेट लगाना हो राइट साइड से अगर आप पॉकेट यूज करते हैं तो राइट साइड में लगाइएगा, और अगर आप लेफ्ट साइड से पॉकेट यूज करते हैं तो इस साइड में देखिए ऐसे लेफ्ट साइड में आप लगा सकते हैं, यानी कि जिस साइड में आपको लगाना है बिल्कुल उसी साइड में ऐसे रखते हुए आप पॉकेट लगा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे देखिए राइट साइड में लगाना है तो मैं इसी साइड में ऐसे पॉकेट लगाऊंगी। तो बिल्कुल पहले यहाँ से देखिए ऐसे 1.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे 5 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी कि इतना ये पॉकेट ओपन रखना है। तो ये मैंने निशान लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर ऐसे कट लगा लेती हूँ ताकि ये दोनों तरफ बन जाए निशान। और उसके बाद देखिए हमें पॉकेट को यहाँ पे अटैच करना है। तो पॉकेट अटैच करने से पहले देखिए इस पॉकेट के ऊपर हमें लगभग 2 इंच चौड़ी पट्टी लगाना है, क्योंकि ये वाइट कलर का है तो ये बाहर से दिखने लगेगा कभी कभी पॉकेट थोड़ा सा ओपन रहेगा। तो उसके लिए हम देखिए इस कपड़े से ऐसे लगभग 2 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करके इसके ऊपर ज्वाइंट कर देंगे। तो बिल्कुल यहाँ से देख सकते हैं ऐसे हम 2 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करेंगे, और लंबाई में ये लगभग 7 इंच रखेंगे, यानी कि 5 इंच पॉकेट ओपन रखना है। तो लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक मैंने पट्टी कटिंग कर लिया है। अब देखिए इस पट्टी को बिल्कुल इस प्रकार ऐसे पॉकेट को रखते हुए इसके ऊपर ऐसे हम रखेंगे इस पट्टी को, और इसके चारों साइड से सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर ये सिलाई लगा करके इस पट्टी को इसमें अटैच कर लिया है। अब देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा अगर एक्स्ट्रा हो गया है तो इसे कट करके निकाल देंगे, और उसके बाद हमें इसमें देखिए अब पॉकेट को हम इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। तो बिल्कुल इस प्रकार देखिए जो घेरे के साइड जो घेरे का ऊपर वाला साइड है यानी कि सीधे के साइड की तरफ बिल्कुल इस प्रकार ऐसे पॉकेट को रखते हुए हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। तो देख सकते हैं पॉकेट का कट और जो स्कर्ट का कट है दोनों का कट ऐसे मैच करते हुए रखेंगे, और बिल्कुल ये जो मैंने 5 इंच पे कट लगाया है देख सकते हैं इतना ही ऐसे पकड़ते हुए यहाँ तक सिलाई कर लूँगी, और लगभग ऐसे 1/2 इंच कपड़े पकड़ते हुए आपको यहाँ पे सिलाई करना है। और सिलाई करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कट लगा लेंगे। बिल्कुल ऐसे सिलाई के पास तक कट कर देना है, और उसके बाद देखिए हम इस पॉकेट को ऐसे अंदर के साइड में फोल्ड कर देंगे, और बिल्कुल इस प्रकार ऐसे फोल्ड करते हुए देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे पॉकेट के ऊपर बिल्कुल ऐसे किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे। तो ये मैंने सिलाई कर लिया है, देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से बैठ गया है। अब देखिए हम यहाँ पे पॉकेट के दूसरे पार्ट को लेंगे, और बिल्कुल इस प्रकार ऐसे नीचे की तरफ ऐसे रखते हुए इसे ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए सिलाई करने के बाद बिल्कुल ऐसे आएगा ये, लेकिन ये सिलाई अंदर की तरफ जाए उसके लिए क्या करेंगे ऐसे पलट देंगे पॉकेट को, और यहाँ पर ऐसे नीचे से देखिए इस वाले पार्ट को ऐसे रखते हुए यहाँ पे ऐसे सिलाई कर लेंगे। तो बिल्कुल यहाँ से ऐसे सिलाई करना स्टार्ट करेंगे, और इस प्रकार हम पूरे में सिलाई कर लेंगे यहाँ तक। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे छोटा सा कट लगा लेंगे। देखिए कट लगाने के बाद ये पॉकेट अच्छे से सीधा हो जाता है। तो बिल्कुल इस प्रकार अब हम सीधा कर लेंगे पॉकेट को। तो ये देख सकते हैं मैंने पॉकेट को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद बिल्कुल इस प्रकार से ऐसे आएगा पॉकेट। अब देखिए यहाँ पे इसके ऊपर एक और सिलाई कर देंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए।
अब देखिए हम यहाँ पे ऐसे सीधी साइड से इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई कर लेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ भी इन दोनों को कपड़े को बिल्कुल इस प्रकार पकड़ते हुए यहाँ भी सिलाई कर लेंगे ताकि ये इधर उधर ना हो। तो ये देख सकते हैं ये पॉकेट हमारा तैयार हो गया है। अब देखिए हम यहाँ पे स्कर्ट का जो दूसरा पार्ट है उसको यहाँ पे ऐसे रखते हुए ज्वाइंट कर देंगे। तो बिल्कुल ऐसे देखिए इसे सीधे साइड से रखना है, यानी कि दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ करते हुए रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरे में सिलाई लगा लेंगे। और ध्यान रहे देखिए जो नीचे का पॉकेट है वो इस सिलाई से नहीं दबना चाहिए, यानी कि बिल्कुल इस प्रकार ये ओपन रहना चाहिए पॉकेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिलाई कर लिया है और सिलाई करने के बाद बिल्कुल इस प्रकार ये पॉकेट हमारा ऐसे दिखेगा, ये सीधे साइड से ये देख सकते हैं। अब देखिए ये जो मार्जिन है नीचे वाले मार्जिन को पॉकेट के दूसरे साइड में रखेंगे ऐसे और इसके ऊपर से सिलाई कर लेंगे। तो बिल्कुल इस प्रकार देख सकते हैं मैंने ऊपर से भी ये सिलाई लगा लिया है और इसके बाद ये पॉकेट हमारा पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अब देखिए हम इसमें इस साइड में थोड़ा सा फोल्ड करते हुए सिलते हैं स्कर्ट में। तो ये आप चाहें तो इसी में से फोल्ड करते हुए सिल सकते हैं या फिर अलग से पट्टी लगा कर भी आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अलग पट्टी यूज करूँगी। तो देख सकते हैं इसकी लंबाई मैं यहाँ से ऐसे 5 इंच रखूँगी और ऐसे कटिंग कर लूँगी। और इसकी जो चौड़ाई है देख सकते हैं लगभग मैंने ये 2.5 इंच लिया है और इस प्रकार ये मैंने 2 पट्टी कटिंग किया है। अब देखिए जो पॉकेट वाला साइड है उस साइड में बिल्कुल यहाँ पे ऐसे 1 पट्टी को रखना है और बिल्कुल इस प्रकार ऐसे रखते हुए सिलाई कर लेंगे। और सिलाई करने के बाद देखिए इस पट्टी को ऐसे सीधा करेंगे और इसके ऊपर से इसे सिलाई लगा लेंगे और फिर इस प्रकार देख सकते हैं इसमें से लगभग पूरी पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे, यानी कि डबल फोल्ड करेंगे और लगभग 1 इंच चौड़ी पट्टी हम यहाँ पे ऐसे तैयार करेंगे, यानी कि जैसे हुक वाली पट्टी हमें यहाँ पे बना लेना है। देख सकते हैं एक साइड में हमने इस प्रकार फोल्ड कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो स्कर्ट का दूसरा साइड है दूसरी साइड में जो दूसरी पट्टी है उसको हम ऐसे रखेंगे और बिल्कुल इस प्रकार ऐसे रखते हुए यहाँ पे देखिए ऐसे सिलाई कर लूँगी। और इस साइड में देखिए इस पट्टी को हम हल्का सा ऐसे बाहर की तरफ निकालते हुए फोल्ड करेंगे, यानी कि जैसे काज वाली पट्टी बनता है बिल्कुल उसी प्रकार से इसे बना लेना है आपको और इसके ऊपर से इसे सिलाई कर लेंगे। तो देख सकते हैं इस प्रकार ये दोनों साइड में मैंने पट्टी तैयार कर लिया है। अब देखिए हमें यहाँ पर फ्रिल बना लेना है। तो फ्रिल बनाने के लिए पहले हम देखिए बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बिल्कुल इस प्रकार ऐसे डबल करते हुए बेल्ट को ज्वाइंट करेंगे। तो इसकी तो चौड़ाई बिल्कुल मुझे 2 इंच तैयार रखना है तो ये मैंने नाप कर कटिंग कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो लंबाई है कमर के हिसाब से कटिंग करेंगे तो कमर है 26 इंच। तो देखिए 26 इंच से लगभग हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो ये टोटल मैंने 29 इंच पर कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच सिलाई के लिए लिया है और उसके बाद देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये 26 इंच कमर के लिए लिया है मैंने और उससे ये 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो ऐसे देखिए बेल्ट में ये कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है तो कभी स्कर्ट अगर टाइट हो जाता है तो अगर कपड़ा रहता है तो आप लूज कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम कमर का हाफ लेंगे, यानी कि कमर का हाफ ये 13 इंच और प्लस 1/2 इंच यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लेते हुए इस प्रकार फोल्ड कर लिया है। तो देख सकते हैं फोल्ड करने के बाद ये 2.5 इंच बच गया। अब इसको इस प्रकार एक और फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड में हो गया और फिर से इसे फोल्ड करेंगे तो ये 8 फोल्ड में हो गया, देख सकते हैं। और बिल्कुल इसी प्रकार ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे ऐसे कट लगा लेंगे या फिर ऐसे निशान भी आप लगा सकते हैं। तो ये जो निशान है देख सकते हैं यहाँ पे हम बेल्ट लगाने के लिए लूप्स अटैच करेंगे। तो इस प्रकार ये 4 निशान यहाँ पे बन गया है। अब देखिए हम इसको इस प्रकार फोल्ड कर लेंगे, यानी कि इस साइड से ऐसे सीधे साइड से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो इस साइड में हम फ्रिल के लिए निशान लगाएंगे। तो देख सकते हैं ये बेल्ट हो गया।
बिल्कुल इसी के बराबर हमें इस घेरे को तैयार करना है फ्रिल बना करके। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए ऐसे इसमें फ्रिल बना लेंगे। तो पहले आपको देखिए इसकी जो टोटल घेर है इसे नाप लेना है, अगर आप एक ही बार में सही फ्रिल बनाना चाहते हैं ताकि आपका कम ज़्यादा नहीं हो। तो बिल्कुल ऐसे पहले आप टोटल जो घेर है उसको नाप लीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इसकी जो टोटल लंबाई है, देख सकते हैं ये सिलाई करने के बाद लगभग ये मेरा 46 इंच आया, यानी कि ये डबल में कपड़ा है। तो जब हम इसको डबल करेंगे तो ये 92 इंच हो जाएगा, टोटल कपड़े की जो लंबाई है वो 92 इंच हो गया। अब उसके बाद देखिए जो बेल्ट है तो यहाँ पे ये आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, और उसके बाद ये जितना आपको तैयार करना है यानी कि 26 इंच तैयार करना है, तो इसमें से हम 26 इंच माइनस कर देंगे। तो ये देखिए ये 66 इंच आया। तो ये कमर को माइनस करने के बाद इतना ये कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है। तो देखिए उस कपड़े को हमें इस प्रकार फ्रिल बनाना है ताकि 26 इंच तक फ्रिल बनाने के बाद ये सारा कपड़ा अंदर कवर हो जाए। तो पहले देखिए हम इस बेल्ट में पहले हम निशान लगा लेंगे कि कितनी कितनी दूरी पे हमें फ्रिल बनाना है। तो ये आप 1 इंच की, 1.5 इंच की या फिर 2 इंच की दूरी पे आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 इंच की दूरी पे फ्रिल बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे ये आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, और उसके बाद पहला निशान हम यहाँ पे 1 इंच पे लगाएंगे, और उसके बाद ऐसे 1.5 इंच की दूरी पे फ्रिल बनाना है। तो इस प्रकार देखिए मैं पूरे में 1.5 इंच की दूरी पे इस प्रकार निशान लगा लूँगी, देख सकते हैं ऐसे पूरे में लगा लेंगे। तो इस प्रकार निशान लगाने से क्या होगा, हमें फ्रिल की संख्या पता चल जाएगा। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे यहाँ तक ऐसे निशान बना लेंगे हम। देखिए यहाँ से ऐसे आधा इंच यहाँ पे सिलाई के लिए हो गया, और उसके बाद 26 इंच के बीच में ये जितना निशान बना है उसको सबको आपको काउंट कर लेना है कि यानी कितना है। देख सकते हैं ऐसे ये जो टोटल निशान है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये 17 निशान मैंने बनाया है, यानी कि यहाँ तक ये 17 फ्रिल बनेगा। अब देखिए बिल्कुल 17 फ्रिल में हमें 66 इंच कपड़े को कवर करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 17 से 66 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 17 से 66 को भाग देंगे, और ये जितना आएगा उतना कपड़ा पकड़ते हुए अगर आप फ्रिल बनाएंगे तो पूरा कपड़ा आपका कवर हो जाएगा और बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए 17 से हम 66 को ऐसे भाग देंगे तो ये 3.8 इंच आएगा, आप भाग दे के देख सकते हैं, यानी कि लगभग ये 4.25 इंच आएगा। तो देखिए हम यहाँ पे 4.25 इंच कपड़ा पकड़ते हुए फ्रिल बनाएंगे तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो फ्रिल के अंदर की तरफ यानी कि हमें 3.8 इंच कपड़ा पकड़ना है, और ये 1.5 इंच की दूरी पे हम सारे प्लेट को बनाएंगे। तो देखिए फ्रिल हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहला निशान देखिए यहाँ से ऐसे पहले 1 इंच पर निशान लगाएंगे, 1 या 1.25 इंच पर पहले निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच लिया है, तो यहाँ भी ऐसे लगभग 1 इंच पर ही निशान लगा लेंगे, देख सकते हैं। और उसके बाद डिवाइड करने पे ये आया था 3.8 इंच, तो यहाँ पे हम 3.8 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी कि लगभग 4.25 इंच। और उसके बाद ये 1.5 इंच की दूरी पे प्लेट बनाना है, तो देखिए यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, और फिर से ये 4.25 इंच यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और फिर से ऐसे 4.25 इंच ले लेंगे, देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार आपको पूरे में निशान बना लेना है। तो ये मैंने पूरे में निशान बना लिया है, ये देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे फ्रिल बना लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम फ्रिल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो मैंने 4.25 इंच वाला निशान लगाया है, यहाँ से देखिए एक निशान को ऐसे पकड़ूंगी और इसको यहाँ से पकड़ते हुए सेंटर में रख देंगे, और फिर ये दूसरे साइड से भी ऐसे उठाते हुए ऐसे सेंटर में रखेंगे, देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्लेट बन गया है, फिर ऐसे दूसरे प्लेट को भी देखिए यहाँ से ऐसे उठाएँगे और यहाँ पर ऐसे सेंटर में रख देंगे, और फिर दूसरे साइड से भी उठा करके ऐसे सेंटर में रख देना है, यानी कि बिल्कुल इसी प्रकार आपको पूरे में बना लेना है। तो इस प्रकार बनाने से क्या होता है, प्लेट जल्दी बन जाता है और बनाने में आसान होता है, लेकिन इस प्रकार बनाने से थोड़ा प्लेट में उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आता है। तो मैं आपको यहाँ पर देखिए दूसरा तरीका बता रही हूँ, उसके लिए क्या करेंगे। देखिए जो 4.25 इंच वाला निशान है उसको हम इस प्रकार पकड़ लेंगे, यानी कि ये सीधा साइड है, और इसको बिल्कुल इस प्रकार ऐसे उल्टे साइड की तरफ से देखिए 1.25 इंच या फिर 1 इंच तक हम ऐसे सिलाई कर लेंगे। और देखिए यहाँ तक सिलने के बाद फिर आपको इस प्रकार वापस आ जाना है नीचे की तरफ। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लेट ये बन गया है। अब देखिए दूसरा प्लेट उसी प्रकार बनाएंगे, तो ऐसे 1.5 इंच वाले को छोड़ देंगे, और फिर से ये जो 4.25 इंच वाला निशान है उसको इस प्रकार मैच करते हुए पकड़ लेंगे, देख सकते हैं ऐसे। और यहाँ पर बिल्कुल इसके ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर 1.25 इंच तक मैं सिलाई कर लूँगी,
तो यहाँ पे ये मैं 1.25 इंच तक सिलाई कर रही हूँ, लेकिन इस सिलाई को आप चाहें तो 1 इंच तक या फिर 2 इंच तक भी नीचे की तरफ सिल सकते हैं। तो ये 2 प्लेट यहाँ पे बन गया है, ये देख सकते हैं। अब तीसरा प्लेट भी उसी प्रकार बनाएंगे। तो फिर से ऐसे देखिए 4.25 इंच वाले निशान को ऐसे पकड़ेंगे और बिल्कुल इसी निशान के ऊपर देखिए ऐसे पकड़ते हुए बिल्कुल इसके ऊपर से ऐसे सिलाई करेंगे और लगभग ऐसे 1 इंच तक सिल लेंगे। और फिर से आपको ऐसे वापस आना है, यानी कि वहीं पे ऐसे धागे को कट नहीं करेंगे, नहीं तो धागा निकलने लगता है। तो देख सकते हैं ये 3 प्लेट हमने बना लिया है। बिल्कुल इसी प्रकार चौथा प्लेट भी बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल उसी प्रकार ये मैंने पूरे में सिलाई कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखिए घेरे को नाप के देख सकते हैं, अगर कम ज़्यादा होता है तो यहाँ पे आप फिर से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से ऐसे बराबर पकड़ते हुए नापूंगी और ये मुझे 26 इंच का तैयार रखना है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 26 इंच आया और लगभग ये 1.25 इंच मेरा एक्स्ट्रा हो गया है, यानी कि जो मैंने बाहर वाली यहाँ पे पट्टी ज्वाइंट किया है ये देख सकते हैं इतना ये मेरा पट्टी बढ़ गया है। तो मैं यहाँ पे इससे टाइट नहीं करूँगी, थोड़ा सा देखिए एक्स्ट्रा होता है। अगर 1 इंच तक आपका ज़्यादा हो जाता है तो ये बेल्ट से कवर हो जाता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये टाइट नहीं करना है। लेकिन 2-3 इंच अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो इसको देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे सारे प्लेट में ऐसे लगभग 1-1 पॉइंट पकड़ते हुए सिल सकते हैं, तो ये बराबर हो जाता है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे प्लेट बनाया है उसको ऐसे बीच से खोलते हुए दोनों साइड में ऐसे फैला के रख लेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे सिलाई कर लेंगे। और फिर ऐसे दूसरे प्लेट को भी बीच से खोलते हुए देखिए दोनों साइड में ऐसे फैला लेना है और यहाँ पर ऐसे सिलाई कर देना है। देखिए बिल्कुल इसी प्रकार ऐसे सारे प्लेट को फैलाते हुए आपको इसके ऊपर से ऐसे पूरे में सिलाई कर लेना है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जैसे पिन लगाकर ऐसे सेट किया है, बिल्कुल इसी प्रकार पूरे में मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने पूरे में सिलाई लगा लिया है। तो इस प्रकार ये हमारा बॉक्स प्लेट यहाँ पे तैयार हो गया है, ये देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से बैठा है। अब देखिए हम यहाँ पे ये बेल्ट पट्टी को इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। तो फिर से इसको इस साइड से ऐसे पलट लेंगे और यहाँ पे देखिए जो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो बिल्कुल इस प्रकार यहाँ पर ये सिलाई में जाएगा इतना। अब देखिए इसको इस प्रकार बाहर की तरफ निकालते हुए यहाँ पर ऐसे घेरे से नाप लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो घेरा है 1.25 इंच तक ये बढ़ गया है। तो देखिए फिर से ऐसे निशान लगाएंगे और उसके बाद ये जितना एक्स्ट्रा है उतना ऐसे पकड़ते हुए देखिए यहाँ तक ऐसे सिलाई कर लूँगी और यहाँ पे ऐसे पका कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों साइड में सिलाई कर लिया है। अब देखिए सिलाई करने के बाद यहाँ पे ऐसे हल्का सा ऐसे कट लगाएंगे सिलाई के नीचे की तरफ और उसके बाद इसे देखिए सीधे साइड से पलट लेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार ऐसे पलट लेंगे और कॉर्नर को अच्छे से सीधा कर लेंगे। देख सकते हैं पलटने के बाद देखिए जो बराबर वाला साइड है उसको हम इस साइड में रखेंगे, यानी कि घेरे में आप देख सकते हैं जिस साइड में मैंने पूरे पट्टी को अंदर के साइड में फोल्ड कर दिया है उसी साइड में जो बेल्ट के एक्स्ट्रा पार्ट को रखेंगे और बिल्कुल इस प्रकार ऐसे रखते हुए यहाँ पे ऐसे सिलाई कर लेंगे। तो देख सकते हैं बेल्ट को बिल्कुल ऐसे उल्टे साइड में रखते हुए सिलाई करना है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने लूप्स के लिए ये निशान लगाया है तो पहले हम यहाँ पर लूप्स तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से मैं 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ऐसे कट कर लेती हूँ। तो ये पट्टी कटिंग हो गया। अब देखिए दोनों साइड से बिल्कुल इस प्रकार 2-2 पॉइंट फोल्ड करेंगे और उसके बाद ऐसे बीच से फोल्ड करते हुए इस पट्टी के ऊपर बिल्कुल ऐसे किनारे किनारे हमें सिलाई कर लेना है। देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे किनारे किनारे पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई कर लिया है और देखिए मैंने दूसरे साइड से इसके ऊपर एक और सिलाई कर लिया है, यानी कि पट्टी के ऊपर ही मैंने डबल सिलाई किया है। अब देखिए हमें इसमें से लूप्स की कटिंग करना है तो इसकी लंबाई लगभग 4.5 इंच रखते हुए मैं इस प्रकार कटिंग कर लूँगी और ये 4 लूप्स हम कटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं ये 4 मैंने कटिंग कर लिया है। देखिए लूप्स को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो पहले देखिए मैं घेरे में निशान लगा लेती हूँ, यानी कि जो हमने बेल्ट में यहाँ पर निशान लगाया है उसी निशान को घेरे के ऊपर ऐसे सीधे साइड में लगा लेंगे। तो देख सकते हैं ये निशान मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब देखिए निशान के ऊपर ही ऐसे सारे लूप्स को रखते हुए सिलाई कर लूँगी। तो बिल्कुल ऐसे पहले एक सिलाई के ऊपर ही हम यहाँ पे सिलाई करेंगे और ऐसे पका कर लेंगे
और उससे लगभग हाफ इंच नीचे यहाँ पे एक और सिलाई करेंगे। और बिल्कुल इसी प्रकार आपको चारों लूप्स के ऊपर सिलाई कर लेना है। देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार ये मैंने इसके ऊपर ये सिलाई कर लिया है, यानी कि सारे लूप्स पे मैंने डबल डबल सिलाई किया है। थोड़ा सा नीचे सिलाई कर देने से क्या होता है, इस लूप्स की चौड़ाई बढ़ जाता है, तो कितना भी अगर चौड़ा आप बेल्ट लगाना चाहें तो आराम से लगा सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे बेल्ट अटैच कर लेंगे, तो बिल्कुल इस प्रकार ऐसे यहाँ से पकड़ेंगे, देख सकते हैं यहाँ से ऐसे पकड़ते हुए पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार यहाँ पे हम हाफ इंच कपड़े को ऐसे पकड़ते हुए सिलाई कर लेंगे पूरे में। देख सकते हैं सिलाई करने के बाद अब इसके ऊपर सीधे साइड से सिलाई करेंगे, तो जो बेल्ट वाली पट्टी है उसको ऐसे फोल्ड करते हुए मार्जिन को इसे ढकते हुए देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार ऐसे किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये पूरे बेल्ट पट्टी के ऊपर ये मैंने सिलाई कर लिया है। अब देखिए इसके ऊपर से एक और सिलाई करेंगे ऐसे, तो यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। और देखिए इसी सिलाई से हम ये जो लूप्स वाली पट्टी है इसको ऐसे दबाते हुए सिलाई कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये मैंने बेल्ट के ऊपर ही सिलाई कर लिया, तो ये बेल्ट पट्टी तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम साइड से सिलाई कर लेंगे, तो बिल्कुल इस प्रकार यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे उल्टे साइड से और यहाँ तक ऐसे सिलाई कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिलाई कर लिया है मैंने। अब देखिए बिल्कुल इस प्रकार इस साइड से ऊपर से एक और सिलाई कर लेंगे, तो जो मार्जिन है देखिए हुक वाली पट्टी के साइड में रखेंगे और बिल्कुल इस प्रकार ऐसे रखते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। देख सकते हैं ऐसे हुक वाली पट्टी को ऐसे ऊपर की तरफ से रखना है और बिल्कुल इस प्रकार अच्छे से देखिए मार्जिन को ऐसे दबाते हुए यहाँ तक सिलाई कर लेंगे, यानी कि जो आपने पट्टी अटैच किया है घेरे में उसके लगभग हाफ इंच ऊपर तक ऐसे सिलाई करेंगे। और उसके बाद देखिए मशीन को यहाँ पे ऐसे घुमाते हुए थोड़ा सा सिलाई कर लेना है और फिर इसको हम नीचे की तरफ घुमाते हुए देखिए थोड़ा सा सिलाई करके धागे को कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल सिलाई करने के बाद इस प्रकार से ये सेट हो जाएगा और यहाँ पे इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी आई है और यहाँ पे ये हुक लग जाएगा। अब देखिए हम नीचे से इसको फोल्ड कर लेंगे, तो यहाँ पे आप लंबाई चेक कर सकते हैं, यानी कि घेरे की लंबाई जितना आपको रखना है उतना ऐसे रखते हुए जितना एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसको आप अंदर के साइड में फोल्ड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे 20 इंच रखना है तो 20 इंच रख लूँगी और बाकी कपड़े को देखिए मैं अंदर के साइड में फ़ोल्ड कर दूँगी ऐसे, और यहाँ पर ऐसे फोल्ड करते हुए किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हुक को अटैच कर लिया है, तो इस प्रकार ये हमारा स्कर्ट तैयार हो गया है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये पॉकेट हो गया स्कर्ट में। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।